ओम शांति। हमारे आगे बाबा ने समय के सारे राज खोल दिए हैं। अब जितना कलयुग का अंतिम समय समीप आता जाएगा, चारों ओर व्यक्तियों के अंदर की मानसिक हलचल, प्रकृति की हलचल, शारीरिक रोगों की हलचल बहुत बढ़ती जाएगी। चारों ओर चिल्लाने का, मन की स्थिति को हिलाने का वायुमंडल होगा। इस प्रकार के वायुमंडल से बाबा के बच्चे भी अछूते नहीं रह सकेंगे। इन सब में स्ट्रांग रहने के लिए, पास होने के लिए इस एक अभ्यास को अभी से बढ़ाते चलें। ये अभ्यास है बार बार अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना, इसकी गहन अनुभूति करना। मैं निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ। यह अभ्यास बड़ी से बड़ी हलचल में भी विजयी बना देगा और चारों ओर के अति हलचल के वातावरण में वही आत्मा इस अभ्यास को कर पाएगी जिसकी अशरीरी स्थिति की प्रैक्टिस लंबे काल की होगी। इसलिए रोज अच्छे से कुछ भी करते या योग में कुछ मिनट इसका अभ्यास ऐसे करें। स्वयं को सब संकल्पों और बातों से हल्का कर दें। संकल्प करें, मेरा मन एकदम हल्का, शांत और रिलैक्स है। पास्ट या भविष्य की हर एक बात से मुक्त होकर वर्तमान के समय में खुद को एकाग्र करें। अब अनुभव करें मस्तक में मैं चमकती हुई, इस शरीर की मालिक, इसको चलाने वाली ड्राइवर, एक बिंदु आत्मा हूँ। इस शरीर से संपूर्ण अलग मैंने इसमें सिर्फ कर्म करने के लिए प्रवेश किया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसका त्याग करती हूँ और संपूर्ण अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। अब मेरा संपूर्ण शरीर उड़कर पांच तत्वों में विलीन हो गया। अब मैं आत्मा अपनी संपूर्ण निराकारी अवस्था में हूँ, एकदम अशरीरी हूँ, सिर्फ एक लाइट के बिंदु के आकार की स्थिति में हूँ। मेरे सर्व संकल्प शांत हो गए हैं। मैं खुद को अपने असली पवित्र दिव्य निराकारी बिंदु रूप में देख रही हूँ। कितना हल्कापन, शांति और सुखमयी अवस्था है। मन को पूरा एकाग्र कर ले इस अशरीरी स्थिति में। ना कोई बोझ, ना कोई बंधन, एकदम मुक्त। इस अवस्था में कितना सुख और आनंद की अनुभूति मुझे मिल रही है। इस अभ्यास को रोज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते चले और फिर बिंदु बनकर निराकार शिव बाबा के स्वरूप पर, सर्वशक्तिवान पर खुद की बुद्धि को एकाग्र करें।